अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे। मैं हूँ सरोज और आपको SBRO में वेलकम करता हूँ। आज की हमारी वीडियो है वो ये है कि क्या सपोज़ हम जब आपका मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक बर्ड उड़ जाता है ब्रीडिंग के दौरान, मतलब कि जब आपके फीमेल ने एग दिए हुए होते हैं या फिर उनमें से बच्चे निकल आते हैं, चिक्स निकल आते हैं, तो उसके बाद ही किसी भी रीज़न से बाय मिस्टेक आपकी जो फीमेल है या मेल है वो उड़ जाता है, तो क्या जो बच जाता है मेल फीमेल, अगर फीमेल उड़ गई है तो मेल बच जाएगा, तो क्या वो मेल उन बच्चों को फीड करवाएगा या नहीं करवाएगा। वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो सबसे पहले जो मेल फीमेल की बात आती है, फीड्स कौन कराएगा, वो डिपेंड करता है आपके बर्ड्स के ऊपर। अगर आपके बर्ड्स अच्छे हैं तो वो लाजमी फीड करवाएंगे, ठीक है। मेल फीमेल पहले तो मेल और फीमेल दोनों ही फीड करवाते हैं बच्चों को, लाजमी नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही फीड करवाए और मेल फीड ना करवाए, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही फीड करवाते हैं, कभी मेल करवा देता है, कभी फीमेल करवा देती है, ठीक है। बाय मिस्टेक मुझसे भी एक ऐसा ही केस हुआ था कि जब ये दो बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे मटकी में, जब ये दो बच्चे हुए थे, जब ये चिक्स निकले थे एग से, तो उसके एक या दो दिन बाद ही जो फीमेल थी वो बाय मिस्टेक उड़ गई थी, केज से निकल के उड़ गई थी, मुझे पता नहीं लगा उसका, और पीछे बच गया था मेरे पास मेल। तो मुझे टेंशन इस बात की थी कि मैं इनको फीड खुद करवानी पड़ेगी या मेल इनको फीड कैसे करवाएगा। तो मेरे माइंड में अचानक एक ख्याल आया कि मैं इनका थोड़ी देर सब्र कर जाऊँ, रुक जाऊँ, देखूँ कि क्या ये मेल फीड करवाता है या नहीं करवाता। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ये मेल फीड करवा देता है तो बेस्ट है, मुझे फीड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैंड फीड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कुछ घंटे वेट किया, वेट करने के बाद देखा कि क्या ये मेल फीड करवा रहा है या नहीं करवा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेल फीड करवा रहा था, और फिर मैंने छोड़ दिया उनको, मतलब हैंड फीड नहीं करवाई, ठीक है। तो भी इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी ये है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेल फीड करवाते हैं चिक्स को, तो वो फीड करवाते ही रहेंगे भले फीमेल हो या ना हो, ठीक है। आपको वीडियो में भी दिखा दूँ, पीछे सिर्फ एक आपको मेल नज़र आ रहा होगा, इसकी फीमेल जो थी वो उड़ गई थी, और मतलब कि जब ये बच्चे दो दिन के थे तो उस दिन से ही इस मेल ने फीड करा, अल्हम्दुलिल्लाह ये चिक्स इतने हो चुके हैं, ठीक है। अभी जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो मैं इसके लिए मेल के लिए एक और फीमेल ले आऊँगा और इनसे प्रॉपर दोबारा ही ब्रीड लूँगा। तो भी मेल फीड करवाते हैं, अगर मेल नहीं होते तो फीमेल फीड करवाती है। मेरे पास भी एक ऐसा केस आया था, मेल उड़ गया था, फीमेल ने अपने तीन बच्चों को फीड करवाया था, उसके बाद जब वो सेल्फ पे हो गए थे उसके बाद मैंने उसका अलग पेयर लगाया था, एक और मेल लेके आके उसका अलग पेयर लगाया। इसके साथ भी ऐसा हुआ, इसकी फीमेल उड़ गई है और ये अभी फीड करवा रहा है, हाँ थोड़ी कम फीड करवा रहा है लेकिन फीड लाजमी करवा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने फीड कराना ही छोड़ दिया है, इन बच्चों को फीड मिल रही है प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए ये बड़े हो रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा जल्दी बड़े नहीं हो रहे। उसकी रीज़न भी है कि इनको प्रॉपर फीड नहीं मिलती, मिल रही है लेकिन प्रॉपर नहीं मिल रही। मैं इनको हैंड फीड करवा सकता था लेकिन मैंने नहीं करवाई, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कोई ना कोई मिस्टेक मुझसे हो जाए, कोई ना कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से ये दोनों चिक्स मर जाएँ तो फ़ायदा नहीं है। अगर ये मेल फीड करवा रहा है तो मेरे पास सबसे अपॉर्चुनिटी यही है कि मैं इसको इन्हीं पर ही फीड कराने के लिए छोड़ दूँ, कि ये मेल ही इनको फीड करवाता रहे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़े बहुत तो सेल्फ हो रहे हैं, स्टार्ट में देखें दाना चुगना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये वाइट वाला जो है मुंह मार रहा है अंदर, तो कुछ हफ्ते के बाद ही ये बड़े चिक्स जो हैं वो कवर हो के बाहर आ जाएंगे और फिर से इनका पेयर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे मेल्स पे या फीमेल्स पे, तो ये डिपेंड करता है हमारे मेल्स और फीमेल्स पे, मेल्स और फीमेल पे बर्ड्स होते हैं उनपे। कुछ बर्ड्स मेल फीमेल ऐसे होते हैं जो दोनों ही फीड नहीं करवाते बच्चों को, तो फिर उन्हें हमें एंड टाइम करवाना पड़ता है। कुछ मेल फीमेल ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ मेल फीड करवाता है, फीमेल फीड नहीं करवाते, फीमेल मटकी में जाती ही नहीं है, ठीक है। और कुछ में ऐसा होता है कि मेल फीड करवाता है और फीमेल फीड नहीं करा, फीमेल फीड करवाती है और मेल फीड नहीं करवाता, वो भी मटकी में नहीं जाता, ठीक है। तो ये बर्ड्स पर डिपेंड करता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही था, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।